इतना बड़ा होल हो गया, ठीक है ना। और सबसे पहले आगे चाबी निकाल लेंगे या फिर मेरा गाड़ी का पेपर निकाल के चले जाएंगे, इस वजह से मेरे को गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, सही है कि नहीं। 100 रुपये नहीं मान रहा तो 500 रुपये मानो भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग। और उनको दे भी देंगे 500 रुपये, लेकिन ड्राइवर जब 100 रुपये लिखवाएगा तो नहीं लिखेंगे हिसाब में। तो भाई अब क्या करेंगे, नहीं होगा तो फिर आराम करेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, और क्या कर सकते हैं। कल करेंगे लोड, देखते हैं जो भी होता है आप लोगों को बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई स्वागत करते हैं न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भाई अभी के बजे सुबह के 11:30 और मैं सो के उठा था ना करीबन 9:30-10 बजे। और भाई अभी मैं हो गया मस्त फ्रेश रहे सारी चीज़ें, लेकिन गाड़ी अभी भी साफ़ सफाई नहीं है। देख रहा रात में खाना बनाया था, सारा सामान यहीं पड़ा है, और इधर देख रहा पूरी भसड़ मची हुई है यार, कर सकते हैं। लेकिन भाई इन सब में ये चीज़ इग्नोर करो, बाकी अपने पर ध्यान दो भाई। अभी हमारा लोकेशन है अपना रायपुर ट्रांसपोर्ट, जो कि वाली गाड़ी हमसे आगे है, नंबर लगा के खड़ा है। एक और आई सर उधर पीछे, ये वाला नहीं, इससे आगे है। तो दो गाड़ी फिलहाल अपने आगे, अब देखते हैं कितना टाइम तक के नंबर लगता है, मतलब माल भी उठाने जाना होता है ना। तो भाई चलो भाई, ये वाला लोग मैं यही करता हूँ, चैनल पर नहीं होता तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्त कि आप लोग कहाँ से देखते हो वीडियो, और वीडियो में कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। चलो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ भाई। तो यार अभी वहाँ से हमको बाहर कर दिए भाई, क्योंकि वहाँ जगह था ही नहीं अंदर में। तो अभी मैं आ गया रोड पे खड़ा, रोड पे रिस्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान कराते हैं यार इधर। इस वजह से लग रहा अभी मैंने गाड़ी वाड़ी को मास्क साफ आफ करके बैठा हूँ गाड़ी में, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा ना तो पुलिस वाले आगे चाबी निकाल लेंगे या फिर मेरा गाड़ी का पेपर निकाल के चले जाएंगे, इस वजह से मेरे को गाड़ी में बैठना पड़ रहा है और दिक्कत हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा ना गाड़ी में बैठे बैठे। अब ऑर्डर भी दो गाड़ियों के बाद यार मेरे को बाहर निकाल दिया यार, पार्किंग वहाँ से है लेकिन पार्किंग के अंदर जा नहीं सकते। पार्किंग अंदर जाएंगे तो पैसा लगेगा, पैसा फिर मानेगा नहीं सीट, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो अपने को क्या करना है, रोड पे लगा के खड़ी रहो भाई, जब होगा कुछ तो फिर समझ लेंगे, है कि नहीं। अभी पार्किंग में जाके 100 रुपये लगता, अब जब पुलिस वाला लेके जाएगा तो 500 रुपये लगेगा, तब तो मानेगा सीट, सही है कि नहीं। 100 रुपये नहीं मान रहा तो 500 रुपये मानो भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग। और उनको दे भी देंगे 500 रुपये, लेकिन ड्राइवर जब 100 रुपये लिखवाएगा तो नहीं लिखेंगे हिसाब में, ये है इनकी कहानी, क्या कर सकते हैं। चलो करते हैं इंतजार लोडिंग के, अब क्या है अपना टाइम आने का भाई। तो अभी वो दोनों गाड़ी का ऑर्डर निकल गया, एक मतलब चला गया और दूसरी ये खड़ा है। अभी बंदा बोल रहा है हमको कि आ जाओ भाई चाय आए पी लो, तो चलो उसके पास चाहते हैं, सामने ही है चाय दुकान, वहाँ पे लाएगा चाय। और मैंने तो बोल रही चलो यार घूम के आते हैं भाई, अपना ऑर्डर निकला है फिर, तो चलो ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं और चलेंगे जैसा भी होता। चलो मैं एक बार अपनी गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये पहले इधर खड़ी थी अपनी गाड़ी, अब मैंने उसको साइड में कर दिया, ये देखा पहले रोड में लगाया था, अब सर्विस रोड में डाल दी, तो सर्विस रोड में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इस वजह से हमने बोला कि नहीं यार इधर खड़ी कर दो, और फिर पूछ ले ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, तो फटाफट चाय पी लेते हैं और ट्रांसपोर्टर से जब तक हमारी बात भी हो जाती है फिर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। अपना ऑर्डर तो नहीं आया पता है, लेकिन यहीं से माल अपना कंप्लीट हो रहा है, देखो अभी आ गया माल पलटी करने के लिए। लेकिन ये भी अभी भी उम्मीद नहीं है कि अपनी गाड़ी भरेगी या ना भरेगी। और ये बताता मैं कल जो लगी थी अपनी गाड़ी में ना, देख रहा हूँ इतना बड़ा होल हो गया, ठीक है ना। और सब लगा हुआ भाई, पलटी स्टार्ट हो गया गाड़ी अपनी, गिनती से जाते हैं भाई, समझे भाई करेगा गिनती, गिनती को करेगा तू, तुम करो गिनती। हाँ हाँ भाई कर रहे गिनती, अभी माल जाएगा अभी 5 के करीब आएगा इसमें, सही रहेगा। तो चलो भाई बताता हूँ मैं आप लोगों को, लोड होता है कि नहीं होता आज पता नहीं, क्या पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, माल तो ढाला ही नहीं यार, अभी दो दो गाड़ी सामने हैं, और होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है चलो बताता मैं आप लोगों को जो भी होता है। आ गया तू, भाई तो अभी टाइम आ गया पता है, बहुत टाइम हो गया यार, देख रहा टाइम 5:41 और टाइम ही देख,
एकदम शाम हो गया है भाई। मेरे पास सिर्फ 2 टन माल पलटी हुआ और उसने 5 टन देने का बात किया। अब देखो वो गया तो है, अब लेके आता है नहीं आता है, कल देगा पता नहीं, जो भी होता है बता दे आपको। और लोडिंग का कोई कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई अब क्या करेंगे, नहीं होगा तो फिर आराम करेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, और क्या कर सकते हैं। कल करेंगे लोड, देखते हैं जो भी होता है आप लोगों को बताऊँगा। भाई अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दो लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और कहाँ से व्लॉग देखते हो ना ये भी कमेंट किया करो भाई, और वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा था ये बताया करो, ठीक है। आप लोगों का एक लाइक से बहुत मोटिवेट होते हैं भाई, वीडियो बनाने का मन करता है लाइक फटाफट से कर दिया करो, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर से अगर लोड होगी तो फिर ठीक है, नहीं होगी तो फिर खाएंगे पियेंगे सोएंगे, हो गया ठीक है। भाई आखिरकार अपनी गाड़ी नहीं भरी यार, फिलहाल मैं अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया, गाड़ी लगा दिया था वंड में और आधी आधी लोड होके आधी छोड़ दी है, क्योंकि कल 12 बजे तक निकाल देंगे मेरे, देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल तो अभी हम बना रहे हैं चावल जो कि पक रहा है इसमें, और मैंने अभी काट के रख दिया है कि इसमें प्याज मिर्ची, और अभी मैं बनाऊँगा सेव की सेव टमाटर की सब्जी चावल के साथ, ये सेव टमाटर उसकी सब्जी बनाऊँगा, मस्त खाऊँगा पीऊँगा सो जाऊँगा। तो भाई आज तो कुछ रहा ही नहीं, मैं कहीं ट्रांसपोर्ट से गया ही नहीं, जो भी था वो आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना भाई कि आप लोग वीडियो को कहाँ से देखते हो, ठीक है। मैं मिलूँगा कल सुबह, कल तो अपनी गाड़ी भरी जाएगी, वैसे भी टॉप पे नंबर है भाई, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ कल सुबह, अभी के लिए बाय, जय हिंद।